सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रैंडम व्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैंडम व्यूज़ पे। और आज का वीडियो है कि हम टाटा स्काई पे अकाउंट कैसे मैनेज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जैसे ही गूगल खुल जाता है तो हम टाटा स्काई को लिख के गूगल सर्च करेंगे, या फिर हम एड्रेस बार में जाके डायरेक्ट टाटा स्काई www.tataSky.com लिख कर उसको एंटर करेंगे और टाटा स्काई वेबसाइट को एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैंने टाटा स्काई के लिंक को क्लिक किया, उसके बाद ये वेब पेज खुलता है टाटा स्काई का। टाटा स्काई के जैसे ही आपका वेब पेज खुल जाता है, खुलने के बाद हमें अकाउंट मैनेज करना है, तो हमें माई अकाउंट में जाना पड़ेगा। माई अकाउंट में जाने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ टाटा स्काई को लॉगिन करने का दो तरीका है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर RMN से लॉगिन कर सकते हैं और सब्सक्राइबर ID से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करेंगे सब्सक्राइबर ID से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो चलिए कि उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू में करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जैसे देख सकते हैं मेरा ये अकाउंट खुल गया है। लॉगिन विधान मुखर्जी दिखा रहा है। ये यहाँ पर देख सकते रिचार्ज करने का ऑप्शन है, मैनेज पैक्स, ऑर्डर, शोकेस, रिकॉर्ड, गेट कनेक्शन। तो हमें यहाँ बैलेंस दिखा रहा है मेरा कब है डेट, और ये दिखा रहा है कि कब कितना का रिचार्ज करना चाहिए। हमें मैनेज करना तो मैनेज पैक में जाएंगे। मैनेज पैक में जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो फिर आपका एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड जब आप अकाउंट को लॉग रजिस्टर्ड कीजिएगा अपने RMN नंबर को या फिर सब्सक्राइबर ID को अपने टाटा स्काई में इसमें, तो आपसे वो पासवर्ड देगा आपको। वो पासवर्ड आपको कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं वो अलग। मैं अकाउंट मैनेज जब भी आप कीजिएगा तो आपको ये पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन करते वक्त इसमें पासवर्ड नहीं मांगता, लेकिन आपको जब भी अकाउंट मैनेज करना हो तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने लॉगिन हो गया है। अब ये मेरा बेसिक पैक है और ये एड ऑनस है, SD चैनल्स हैं। तो चलिए हम एक पैक को हटाते हैं। उसके लिए हमें जैसे पेंसिल कलर के आइकन को, ब्लू वाले आइकन को क्लिक करना है। आइकन को जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा कि मेरा एक पैक में है सोनी 10-3। तो इसको मैं हटा देता हूँ ट्रेस वाले बट की इसको दबा के। और उसके बाद मुझे एक और पैक ऐड करना है, तो मैं क्लिक करूँगा इसके स्पोर्ट्स में। जैसे ये है चैनल पैक्स है अलग अलग, तो मैं ऑल चैनल उसमें क्लिक किया। मैंने तो देखे कि ऐसे देख सकते हैं इसमें बैलेंस दिखाता कि कब रिचार्ज करना है, कब कितना रिचार्ज करना है। स्पोर्ट्स 2 में जैसे मैंने आई को क्लिक किया तो उसमें डिटेल्स दिखा रहे हैं इसके। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना कितना चैनल्स है इसमें, और देख सकते हैं इसमें 7 चैनल्स की अवेलेबल है। इसमें फीस भी ऊपर भी कितनी लगती है वो भी दी हुई है। आप स्पोर्ट्स 1 में देखेंगे क्लिक करेंगे तो इसमें 7 चैनल्स में भी हैं। इसमें अलग अलग सोनी के चैनल्स और स्टार प्लस ज़्यादातर चैनल्स हैं। ओके, इसको नहीं चाहिए तो आप ओके करके या फिर कट करके बाहर आ सकते हैं इससे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे टेंस और स्पोर्ट्स 1 के हिंदी के अलग से पैक बने हुए हैं, तो आप इसको भी क्लिक करेंगे तो इसमें 10-1 और सोनी स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी जो चैनल अवेलेबल है उसको। यहाँ पे ऑल स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स चैनल हैं। मंथली, सेमी एनुअल, एनुअल पैक्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 13 स्पोर्ट्स चैनल दिए गए हैं आपके टाटा स्काई में। तो आप इसको अगर आपको ये पैक पसंद आता है तो मंथली सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर दें। और मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने मॉडिफाई में क्लिक किया वैसे ही ये आपका हो गया। इसमें एक बार और कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछेगा कि हाँ आपको ये प्लान जो है आपका ऐड करना है, ये हटाना है, तो आपको अगर मंजूर है तो कंफर्म में दबाएंगे। कंफर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और नया पेज खुलेगा जिसमें आपको बताएगा कि आपका ये पैक ऐड कर दिया गया ऑल स्पोर्ट्स, और आपने ये सोनी 10 HD स्पोर्ट्स 3 HD हटा दिया है। इसमें बोलता है कि कुछ आधा घंटा के लिए आप अपना छोड़ देता है कि वो मॉडिफिकेशन जो आपने किया है उसको वो वैलिडेट कर सके। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को देखने वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।